हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज रहे हैं, 3 बजे से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और 10:15 हो रहा है। मैं उठी थी थोड़ा देर पहले, मेरी देवरानी ने मुझे कॉल किया उठाने के लिए, फिर मैं उठ गई। वही सुबह का जो हमें खाना होता है ना, और जो चढ़ाना होता है वो मुझे करना है। और तुरई का पत्ता मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया है पान का पत्ता, तो पान के पत्ते पर ही मैं चढ़ाऊँगी। और मैं सोई थी काफ़ी लेट, 1:30 बजे के आसपास में सोई थी, और फिर इस समय सुबह सुबह फिर उठना पड़ा है। फिर इसके बाद सो जाऊँगी मैं, क्योंकि ना धीरे धीरे बोल रही हूँ, ये भी सो रहे हैं, पापा भी सो रहा है, तो इन्होंने रात में ही मेरे को बोल दिया था कि मुझे उठाना नहीं और मोबाइल थोड़ा सा कम करके सोना अगर कोई देखो जगाए तो मैैं ना फिर भी इनकी नींद खुल गई थी। मम्मी जी ने इनके पे कॉल कर दिया तो इनकी नींद खुल गई। तो बस चलिए, अब जो भी करना है वो करते हैं। पोहा ला के रख दी हूँ मैं, और मैंने थोड़े सुबह में ना खाने के लिए रस मलाई मंगा ली थी, कुछ मीठा। ऐसे लग नहीं रहा है कि खाया जाएगा कुछ भी, लेकिन पानी भरपूर पी रहे, नारियल पानी है ये, तो देखती हूँ सब कुछ कर ले। उसके बाद मैं यहाँ पे थाली वगैरह लेके आई हूँ, जो मुझे चढ़ाना था वो मैं चढ़ाऊँगी। और पूजा के जस्ट साइड में ही मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि इस रूम में ना खाली जगह थी और उसमें ये सो रहे हैं, और हॉल में भी जगह नहीं थी। और इस रूम में थोड़ी सी कम लाइटिंग है, लाइट जो लगा हुआ है ना बहुत ही कम है, एक लाइट है वो भी बहुत ही कम है, सो इस तरीके से ना थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा वीडियो। और फिर भी इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस रूम में ना कम वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं लगी हुई है। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ चीनी, मुझे निकालना था, तो ये पैक ही था, मेरे को कल याद नहीं आया कि मुझे निकालना है, तो मैं अभी बस इसका पैकेट खोल रही हूँ। और साइड में रखे हुए हैं जो मुझे खाना है। उसके बाद मैं डायरेक्ट शाम को शूट कर रही थी, दिन भर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, और ये शाम का क्लिप था। और मैंने अभी नहा के आ गई थी, बेडशीट वगैरह भी चेंज की, उसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ जो मुझे तैयार होना है। चूड़ी यहाँ पे मैंने साड़ी रखा है येलो कलर का, और ये साड़ी आप लोगों ने देखा होगा जब मेरे देवर की शादी थी तो मम्मी मायके से भेजी थी, ये वाली साड़ी वही वाली साड़ी है ये। तो नेल पेंट मुझे लगाना है, और लिपस्टिक, मंगलसूत्र, और एक और गले में का रख रही हूँ। और यहाँ पर बिंदी वगैरह सब कुछ रखने के बाद फिर मैं तैयार हो जाऊंगी अभी। और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, शाम काफ़ी लेट हो गया था। और ये इयररिंग्स मैंने यहीं सेलेक्ट किया है, वैसे मैं पहले सोची ना गोल्ड वाला, लेकिन गोल्ड वाला मेरे पास बड़े बड़े यहाँ पे नहीं रखी हूँ, मैं सब ससुराल में ही रखती हूँ, यहाँ मैं बड़े बड़े इयररिंग्स डालती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे बाबू को आज ये दिए थे, ये सारे इनके बुक्स, छोटे छोटे बुक्स हैं, कार्ड हैं, और कार्ड भी बहुत अच्छा है। ये हमने पूरा किट ही मंगाया था ऑनलाइन बाबू के लिए, तो ये जो भी यहाँ पे कलर नेम है ऊपर में कलर दिया हुआ है, जिससे वो पहचान सकेगा। वैसे कलर अब वो पहचानता है, सारा कलर वो जानता है, तो आज ना थोड़ा सा बिजी रखने के लिए इन्होंने उसको दिया था पढ़ने के लिए। और ये बगल में काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आई थी, तो ये सारा कुछ ना फैला दिया, काफ़ी मैशी है यहाँ पे मेरा हॉल इस टाइम पे। लेकिन क्या करूँ, मेरे को कुछ करना नहीं था, मन ही नहीं हो रहा था करने का। और ये बोले कि चलो तुम रेस्ट करो, नहीं तो फिर ये मुझे बोले थे ना, सख्त मना किए थे कि तुम्हें मोबाइल भी नहीं चलाना है और तुम्हें कहीं फ़ोन पर बात भी नहीं करना है, तो तुमको प्यास लग जाएगी, ये वो ऐसे ना इंस्ट्रक्शन इनके बहुत सारे थे, तो मेरे को भी हंसी आ रही थी। यहाँ पर मैं साड़ी पहन रही हूँ, उसके बाद बस मुझे कॉम्ब वगैरह करना है, और जो मैं पहले गले का एक चेन जो पहनती हूँ उसको मैंने निकाल के मंगलसूत्र डाल रही हूँ अभी, और मंगलसूत्र के बाद मैं डालूँगी ये वाले गले का। बस मैं तैयार हो गई हूँ, और ज़्यादा कुछ मुझे अब करना नहीं है, कॉम्ब करना है, और मैं अभी चूड़ियाँ पहनूंगी। तो चूड़ियाँ भी मैंने निकाल लिए है, जो मैं आपको साड़ी के ऊपर रखी थी वो दिखाई थी, यहाँ लगा रही हूँ मैं बिंदी। बस अब तैयार हो गई, नेल पेंट लगाना है और मुझे बैंगल्स पहनने हैं। यहाँ तैयार होने के बाद मैं अभी हॉल में आई हूँ, और हॉल काफ़ी मेरा मैशी पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ आज इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी आलता, और मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे को ना वीडियो में बोला था, लास्ट ईयर से मैं 1 साल से कम लगाती हूँ, जब भी कुछ होता है त्यौहार वगैरह,
तो ये मैं रखी हूँ एक यहाँ पे, तो मेरे को याद आया तो मैं लगा ले रही हूँ। और ये बोल रहे थे कि ये क्यों लगा रही है, तो मैं बोली बस ऐसे ही लगा रही हूँ, मन किया इसलिए। उसके बाद स्पॉच बहुत परेशान करने लगा कि मम्मा मुझे भी, तो उनके ये बोले कि लगा दो थोड़ा सा, बस उसको रेड कर दो, वो खुश हो जाएगा। फिर मैं उसके पैर में ना थोड़ा सा एड़ी में देख के, खुश होकर देख रहे हैं बैठ के, और मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी जब वो बैठ के लगवा रहा था। तो और नेल पेंट ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें मुझे देखता है ना बाबू। अभी शाम के 5:30 हो चुके हैं और जस्ट मैं अभी कैमरे के सामने बोलने आई हूँ। सुनने से जस्ट वॉइस ओवर मॉर्निंग टाइम में ब्लॉग बनाई थी, उसके बाद नहीं बनाई थी क्योंकि फिर ना मैं लेटी हुई थी और इस टाइम से पता चलने लगा है कि हाँ प्यास लग रही है। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, डालते हैं जूतियाँ में। बहुत सारे लोगों के घर में नहीं डालते, मेरी मायके में भी नहीं डालते हैं नई साड़ियाँ। तो ये जो साड़ी है एक बार मैं डाली हुई थी, तो ये उसके बाद मैंने वॉश कर दिया था, तो उसी को मैं डाली हूँ। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे ब्लॉग्स में, मैंने ब्लॉग में नहीं डाला था। और बस मैंने मेकअप में लाइनर भी नहीं लगाई हूँ, शैडो कुछ नहीं लगाई हूँ क्योंकि मन ही नहीं कर रहा, एकदम ना सर बारी बारी सा हो रहा है। और बस लग रहा है कि कैसे पूरा होगा आज शाम, तो शाम तो चलो निकल गया अभी शाम में, लेकिन पूरी रात अभी बाकी है। पूरी रात पानी नहीं पीना है, कल पता नहीं कब हमारे घर में, जब मेरी सासू माँ वहाँ पे कर लेंगी ना, जो भी चीज़ उनको करनी होती है चढ़ाने उड़ाने वाला, उसके बाद फिर हम जो भी होगा खाना वाना का वो तब करेंगे। बस जिस पौधे का पूजा किया जाता है ना, वो पौधा भी नहीं है, ये हाथ में मेरे कलर लग गया है क्योंकि मैंने पाँव में अपने कलर लगाए हैं, रेड वाले जो महावर बोलते हैं वो मैं पैरों में लगाई हूँ आलता, तो ये हाथ में भी थोड़ा बहुत लग गया है। एक्चुअली उसमें ब्रश था लेकिन फिर भी ना ये लग गया है, बाबू ने थोड़ा सा लगवाया है, तो बस इतना इतना सा ना उसकी एड़ी में मैंने थोड़ा सा लगाया है। और जो पौधे की पूजा करते हैं वो पौधा मेरे पास नहीं है, तो साधना जब पूजा करेगी ना वहाँ पे भोपाल में, तो वो बोली कि मैं वीडियो कॉलिंग करूँगी, आप देख लेना, प्रणाम कर लेना। और फिर थोड़ा सा क्लिप मैंने अपने भाई को भी बोला है, मम्मी का बनाएगा वो, तो वो भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी इस ब्लॉग में। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बनाए क्योंकि ना फिर पता है ब्लॉग बनाऊँगी ना ज़्यादा तो थक जाऊँगी, फिर पानी नहीं पीना है, इस चीज़ का टेंशन है कि पानी भी नहीं पीना है। बस भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेरा व्रत जो है वो सफल हो जाए। तो चलिए फिर अभी जा रही हूँ कथा सुनने के लिए, तो कथा का भी मेरे पास बुक नहीं है। मैंने काफ़ी ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश करी, जूतियाँ था वो भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, मुझे बुक भी नहीं मिला जूतियाँ का। तो अब इसके बाद जब करूँगी तो घर जाऊँगी तो वहाँ से लेते आऊँगी, लेकिन इस टाइम पर तो नहीं था, तो जा रही हूँ मोबाइल में ही ना, मम्मी बोली कि मोबाइल में ही चला के और सुन लेना बैठ के, तो वहीं अभी मैं करने वाली हूँ। और उसके बाद जो पौधा है वो साधना दिखा देगी या फिर मम्मी वीडियो कॉलिंग के थ्रू दिखा देंगी, ज़्यादा कुछ मुझे यहाँ पे करना नहीं है। चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। यहाँ पे मैं कथा वगैरह सुनने के बाद यहाँ के बैठी हूँ, और ये अभी ना अपने लिए चाय बना के लेके बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे से बाबू से मैं थोड़ा सा बातें कर रही थी, और जब मैं कथा सुन रही थी बाबू को मैं बुलाई कि आप भी बैठ जाओ, लेकिन वो थोड़ी देर बैठा और बीच में ही भाग आया था। तो मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, मैं ज़्यादा ब्लॉग आज नहीं बनाई हूँ, उसका रीज़न भी मैं आप लोग को बताई हूँ। तो बस जैसे ससुराल में होता है उसी रीति रिवाज से बस मैं कर रही हूँ, और वहाँ रहती या फिर मायके में भी रहती ना तो थोड़ा सा लगता है कि चलो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ना ज़्यादा मैं देख ही नहीं हूँ ससुराल में ये करते हुए, ये चाय पी रहे हैं अपनी। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, स्पर्श बगल में बैठा हुआ है इनके, और उसके बाद इनको अचानक से ऑफिस से फ़ोन आया कि कल आपको ऑफिस आना है। तो अब ये क्या करें, मैं बोली मत जाओ, तो बोलते नहीं जाना तो पड़ेगा, इतने दिन से घर पे था तो कुछ काम है जिसकी वजह से इनको अब जाना पड़ेगा ऑफिस। तो यहाँ पर जो हैप्पी बर्थडे का, बाबू का कल बर्थडे है तो उसके लिए ना ये बोले कि मैं इसमें हवा भर देता हूँ, तुमको ईजी हो जाएगा, नहीं तो बोल रहे थे तुम पक्का है कि तुम्हारी कल तबीयत ख़राब होगी। वैसे भी ना ये मुझे फास्ट करने को बहुत मना किया, मैं इनके ना इनकी एक नहीं मानी हूँ, बस मेरे को था कि नहीं करना है मुझे। तो यहाँ पे इन्होंने सारा कुछ में हवा भर दिया हैप्पी बर्थडे में, लास्ट लास्ट ये था, और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं बोली कि चलो ठीक। अभी रात के बज गए हैं 9:30 और मैं ब्लॉग इन करती हूँ। एक्चुअली मैं ना ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना इतना ज़्यादा थकी हुई हूँ, बिल्कुल ब्लॉग बनाने की इच्छा नहीं हो रही। कॉलिंग पे हैप्पी बर्थडे मन रहा था संपर्क का, तो संपर्क के हैप्पी बर्थडे में कम से कम आधा घंटा हमारा लगा, केक कट वट हो रहा था, उसके बाद हम थोड़ा बातें कर रहे थे, लेकिन पूरा हम डाउन थे, साधना भी पूरा डाउन थी, वो भी सो रही थी, और बस केक कट गया उतना। वही है ना कि दूसरे दिन होता ना थोड़ा सा ज़्यादा हम इन्जॉय करते, आज के दिन था तो मैं भी बिल्कुल मन से वीडियो कॉलिंग पर नहीं थी, साधना भी नहीं थी,
बस बाबू का केक कट गया और बर्थडे मन गया। सब लोग थे कॉलिंग पे, मम्मी पापा लोग भी थे। बहुत सारे लोग आज के दिन ज्योतिया पहन लेते हैं शाम को, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं पहना जाता, सबका अलग अलग होता है। मम्मी मेरे मायके में मम्मी इस टाइम पे पहन लेती है, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं पहना जाता है, तो मैं भी नहीं पहनी हूँ। कल मॉर्निंग टाइम में नहाने के बाद छूते हैं, जैसे आलू होता है, चावल दाल, ये सारी चीज़ें छूने के बाद उसके बाद गले में डालते हैं गांठ लगा के, तो मैं भी कल ही डालूंगी। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, अब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। मैंने कपड़े, मैंने साड़ी चेंज कर दी है, इयर रिंग्स भी अपने ये वाली गोल्ड वाली इयर रिंग्स डाली हूँ, आप देख रहे हो, ये बहुत ही हल्की इयर रिंग्स है ये, बहुत ही कम मैं डालती हूँ ये वाला, लेकिन आज मैंने डाल लिया। बैंगल्स वगैरह है क्योंकि फिर कल सुबह मेरे को फिर पहनना पड़ेगा। और चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा जैसे तैसे आज मैंने ब्लॉग्स बताया, आप लोग आके मेरी देख के ही समझ रहे होंगे। अभी मैं करूँगी अभी फेस वॉश, लिपस्टिक निकालूंगी, और मेकअप में तो मैंने कुछ किया नहीं है। लाइनर, यहाँ तक लाइनर मेरा फेवरेट है, लाइनर लिपस्टिक, लेकिन मैं लाइनर भी आज नहीं लगाई हूँ। होता है ना कि जब मन नहीं होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, लिपस्टिक लगा ली और थोड़ा बहुत क्रीम और पाउडर लगा ली। बाय बाय, टेक केयर, गुड।